एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। आवारा पागल दीवाना 2 में नजर आएंगे संजय दत्त और अरशद बारसी, अक्षय कुमार भी होंगे शामिल। अक्षय कुमार एक बार फिर कॉमेडी फिल्मों में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। जहां वो हेरा फेरी 4 में नजर आने वाले हैं, वहीं वो आवारा पागल दीवाना 3 और वेलकम 3 में भी नजर आएंगे। इस बात को लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। खबर के अनुसार आवारा पागल दीवाना 2 के मेकर्स ने फिल्म में दो नए किरदार इंट्रोड्यूस करने का मन बनाया है, जहाँ फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और जॉनी लिवर की अहम भूमिका होगी। वही फिल्म में संजय दत्त और अरशद बारसी भी नजर आएंगे। फैंस में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई है, सभी इसे लेकर काफी उत्साहित है। ये भी कहा जा रहा है कि निर्माता इन लोगों के अलावा और भी कई लोगों को फिल्म में लेने का मन बना रहे हैं। इस समय सभी टेक्निकल क्रू पर काम कर रहे हैं ताकि लोकेशन पर शूट अच्छी हो। फिरोज नाडियाडवाला कलाकारों के साथ बैठकर डेट पर काम करेंगे। फिल्म की शूटिंग इस वर्ष या अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी। गौरतलब है कि संजय दत्त हेरा फेरी 4 में नजर आने वाले हैं। संजय दत्त और अरशद बारसी ने मुनावाई सीरीज में काम किया है। दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया है। फिलहाल मुनावाई को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। संजय दत्त और अरशद बारसी की जोड़ी पर्दे पर काफी पसंद की जाती है। दोनों मुनावाई और सर्किट के नाम से फेमस है। फैंस के बीच अक्षय कुमार एक्शन फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं, हालांकि वो कॉमेडी भी अच्छी करते हैं। उनकी फिल्मों के चयन को देखकर लगता है कि वो एक बार फिर से कॉमेडी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में घर करने का प्रयास कर रहे हैं। अक्षय कुमार की पिछले कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यापार नहीं किया है।